बालों की प्रॉब्लम है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। मैंने वो किया वो किया वो किया, फलाना क्या ढमकाना क्या, लेकिन बालों की प्रॉब्लम जो भी है, क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरीके से हमने खुद को प्रिपेयर किया हुआ है ना, जिस तरीके से हम खा पी रहे हैं, उन सब का रिजल्ट हमें अपनी स्किन पर बालों पर जरूर दिखता है। आज के टाइम पे बालों को लंबा करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है, उनको हेल्दी बना के रखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है लोगों को, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से तो आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। देखिए, जब तक आपकी स्कैल्प पे डैंड्रफ रहेगा आपके बालों का झड़ना नहीं रुकेगा, जब तक आपकी स्कैल्प पे एक्सेस ऑयल रहेगा तब तक आपके बालों का झड़ना नहीं रुकेगा। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैमेज है, यू नो स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम है, हाथ से ज्यादा रफ्ड अप हो गए हैं, तो आप बालों को लंबा नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको इन दो चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। एक तो आप परमानेंटली डैंड्रफ से छुटकारा पा पाएंगे, सीजनल हेयर फॉल को रोक पाएंगे, और आप अपनी हेयर लेंथ को भी इंक्रीज कर पाएंगे, प्लस जो डैमेज आ गया है ना उसको भी रिपेयर कर पाएंगे। ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे पता है कि आपको वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है ना कि आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करने वाले हैं, और पसंद आते हैं ना तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। सबसे पहले पैन के अंदर एक गिलास पानी हम यहाँ पे डाल लेंगे। इसका जो सेकंड प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपके पास गैस नहीं है, स्टोव नहीं है, तो आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं दूसरे तरीके से। तो मैंने यहाँ पे ली है तुलसी के पत्ते। देखिए, सर्दियां आने वाली हैं और भर भर के तुलसी लगने वाली है सभी के घरों में। और जैसे तुलसी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ना, जैसे हमें कोल्ड नहीं होने देती है, खांसी नहीं होने देती है, सेम वैसे ही ये आपके डैंड्रफ को किल करेगी, ये आपके एक्सेस ऑयल को किल करेगी, ये आपके सीजनल हेयर फॉल को रोक देगी, ये आपके स्कैल्प की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देगी कि परमानेंटली जड़ से आपका जो बालों का झड़ना और टूटना है ना वो रुक जाएगा। मैंने यहाँ पे 5-7 पत्ते तुलसी के लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश कर दिया है और उनको मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। तुलसी नहीं है तो इसकी जगह पे तुलसी पाउडर का भी यूज इसी तरीके से किया जा सकता है। तो तुलसी लेने के बाद अगेन, जैसे कि ठंडियां आने वाली हैं, गर्मियों में लड़कियों को इशू होता है जिंजर से, क्योंकि जिंजर की तासीर गर्म होती है, इसीलिए आप जिंजर को सर्दियों में भर भर के लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सर्दियों में हमें डैंड्रफ आ जाता है, आता है या नहीं आता? मुझे भी बहुत डैंड्रफ आ जाता है कई बार सर्दियों में, क्योंकि स्कैल्प काफी रूखी सूखी हो जाती है, काफी ड्राई हो जाती है, और जिसकी वजह से डैंड्रफ आ जाता है। तो अगेन, जो ये हमने अदरक लिया है छोटा सा टुकड़ा, जिसको मैंने पील ऑफ करके वॉश कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कूट लूंगी, ये आपके डैंड्रफ को हटाएगा, ये भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा, आपकी जो स्कैल्प है उसको ट्रीट करेगा। इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। थोड़ा सा टुकड़ा आपको पानी के अंदर छेद कूट के डाल देना है। ओके, हम इनको सभी को अच्छे से पकाने वाले हैं। इससे बेस्ट रेमेडी आपको कुछ मिल ही नहीं सकती है, स्पेशली सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी लड़कियों को सीजनल हेयर फॉल, जैसे सर्दी वाला हेयर फॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि बीच में से बाल टूट जाते हैं, क्योंकि बालों में एक्स्ट्रा ड्राइनेस आ जाती है, ब्ला ब्ला और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इनको ट्रीट करने के लिए आज की रेमेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसके बाद बालों में हाइड्रेशन प्रोवाइड करना भी काफी जरूरी हो जाता है। और बालों को हाइड्रेट कौन करेगा? फ्लैक्स सीड। हाँ, फ्लैक्स सीड ये प्रॉपरली तरीके से आपके बालों में नमी लेके आएगा, नमी इन द सेंस मतलब कि हाइड्रेट रखेगा, अच्छे वाला हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। जो बालों में ड्राइनेस आ जाती है सर्दियों के दौरान, उस ड्राइनेस को नहीं आने देगा, ये आपके बालों में कोट सा बनाते हुए चलेगा। जो आपके बाल डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने का काम करेगा। मुझे जुकाम हो रखा है थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो आपको 2 चम्मच लेके फ्लैक्स सीड के इसके अंदर डाल देने हैं, और आपको इसे अच्छे से बॉईल करना है, बिल्कुल अच्छे से, एक सीरम जैसी लाइक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया है कि डैंड्रफ कैसे खत्म कर सकते हैं रेमेडी से, कैसे आप अपने बालों से डैमेज को हटा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बालों को लंबा बना सकते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनकी गुणवत्ता क्या है, जो कि वो अच्छे तरीके से आपके बालों में काम कर पाए। आपको विश्वास दिलाया है कि अगर आप इन इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे तो इनके ये बेनिफिट हो सकते हैं, और डेफिनेटली आप इस रेमेडी को अपने बालों पर लगा सकते हैं, और विश्वास करके लगाइएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है इन सर्दियों में ये वाली रेमेडी। जैसे रेमेडी बन जाएगी ना आपकी, आप फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे, फिर आपके पास होगी कोई एक बोतल जिसमें आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। डेफिनेटली ड्रॉपर वाली भी हो सकती है, स्प्रे वाली भी हो सकती है, सिंपल वाली बोतल भी आप ले सकते हैं। ओके, तो मैंने आधी रेमेडी स्प्रे बोतल के अंदर भर लिया है, ड्रॉपर बोतल के अंदर, और जो ये बची हुई रेमेडी है इसको मैं फिलहाल के लिए अभी लगाने जा रही हूँ। ओके,
तो ये जो रेमेडी है मैं यहाँ पे ड्रॉपर की मदद से लगाऊंगी। तो बात करें लगाते लगाते की स्टोर कब तक करना है, आप इस रेमेडी को फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 7 दिन के लिए। 7 दिन में आपको ये रेमेडी को 2 बार यूज करना पड़ेगा। 2 बार के हिसाब से जिस बोतल में मैंने स्टोर किया है ना वो इनफ है। ओके, तो स्टोर करिए 1 वीक के लिए, और जो बची हुई है इसको अपनी स्कैल्प पे बिल्कुल अच्छे से लगाना है। जैसे आप ऑयलिंग करते हैं ना, इस तरीके से बालों पे लगा के छोड़ दीजिए। अगर आप कंफर्ट है ना तो आप इसको पूरी रात भर के लिए लगा के छोड़ सकते हैं। अगर आपने बालों में ऑयल लगाया है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऑयल लगे हुए बालों में क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप इसे 5 साल से बच्चों के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप बच्चों के बालों पे भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपके बालों में डैमेज नहीं है तो आप सिर्फ इस रेमेडी को स्कैल्प पे लगाएंगे। ओके, अगर आपके बालों में डैमेज भी है तभी आप इसको अपनी स्कैल्प से लेके पूरी हेयर लेंथ पे लगाएंगे। समझ में आया ना, डैंड्रफ जो स्कैल्प प्रॉब्लम है सिर्फ आप स्कैल्प पे लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि लेंथ पे भी प्रॉब्लम है, बालों में डैमेज है, या फिर बाल दो मुहे हो गए हैं, ब्राउनिश कलर के हो गए हैं, तो आप इस रेमेडी को अपने बालों पे मतलब कि लेंथ पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से लगा के आप इस रेमेडी को अगर कंफर्ट है पूरी रात भर के लिए बालों पे छोड़ देंगे, और सुबह उठ के आपको शैम्पू कंपल्सरी है इसके बाद करना। ओके, तो शैम्पू कर देंगे। शैम्पू अगर रात को लगाने में कंफर्ट नहीं है तो आप इसको कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए बालों में लगा के छोड़ देंगे, और उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से बनानी है, कितने दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, कब आपको लगानी है, कैसे लगानी है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी हैं। अगर कुछ छूट गया है मुझसे जाने अनजाने में तो मुझे कमेंट्स करके याद दिला दीजिएगा। कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करूंगी कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वसरा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।